एक बात मुझे याद आई, हुजूर क़िबला शाह जी जब सैयदी आला हजरत के हवाले से ताजदार शरफुर शरीफ हजरत शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बयान फरमा रहे थे कि आप यहां से बरेली शरीफ तशरीफ ले गए, तो यहां पे किल्लत वक्त के बायस या अदम तवज्जो के बायस क़िबला शाह जी ने यह गान बयान नहीं फरमाई, लेकिन यकीनन वो मुझसे बेहतर इस बात को जानते हैं। वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि आप बरेली शरीफ गए क्यों, इसकी वजह क्या है। हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में हजरत गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला नु का दीदार किया और शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला नु की खिदमत में ये अर्ज की कि हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है। आपका, मेरी बात आपको समझ आ रही है, आपका बोलिए बोलिए आपका नायब कौन है। तो हजरत गौसुल आजम रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस वक्त मेरा नायब बरेली में है, उसका नाम है अहमद रजा। और याद रखिए जो मेरे गौसुल आजम का नायब होता है वो वक्त का गौस होता है। आला हजरत को सिर्फ महज मौलवी गर्दानना इस जिहत से भी देखिए कि आला हजरत एक बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े फकीह भी थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे और वक्त के गौस भी थे, गौस पाक के नायब।